मुंबईत 5 ते 15 तासात रुग्णांना ॲम्ब्युलन्स मिळत नाही। 2 महिन्यांपासून अनेक खाजगी रुग्णवाहिका गायब झाले आहेत। तर एप्रिल महिन्यात आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा मुद्दा मी सांगितला असता त्यांनी कोरोना महामारीचं संकट हाताळत असताना मेडिकल इमर्जन्सी अंतर्गत ठाकरे सरकारनं खाजगी ॲम्ब्युलन्सच्या मालकांवर का कारवाई केली नाही याचं उत्तर ठाकरे सरकारनं द्यावं, का रुग्णवाहिकेला ठाकरे सरकारचं वरदस्त आहे असा सवाल माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले आहेत। मुंबई में 5-15 घंटे एम्बुलेंस आती नहीं है, अनेक पेशेंट की मृत्यु होती है। 20 मार्च तक मुंबई आरटीओ में रजिस्टर्ड 3000 प्राइवेट एम्बुलेंसेस सड़क पर थी, गए 2 महीने से गायब है। 5 अप्रैल को मैंने आरोग्य मंत्री के पास ये विषय उपस्थित किया था, फिर मेडिकल इमरजेंसी के अंतर्गत इन एम्बुलेंस के मालिकों के विरुद्ध में कार्रवाई ठाकरे सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनके ऊपर शिवसेना की कृपा है इसके लिए।